गाइस हम आज चैप्टर नंबर 5 करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्लास 10th का हमारा चैप्टर नंबर 5 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको करेंगे हम, बच्चे बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं चैप्टर की, तो इसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करने वाले हैं। और जो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स हैं या फिर अदर जो लेक्चर्स हैं हमारे 10th क्लास या 9th क्लास के, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। 9th क्लास का तो हमने कंप्लीट सिलेबस करा दिया है, लेकिन 10th के कुछ चैप्टर्स हमारे रह गए हैं, तो हम उसी के लिए आज चैप्टर नंबर 5 करने वाले हैं। तो अब देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मीन्स होता है, क्वाड्रेटिक मीन्स होता है जहाँ पर डिग्री 2 होती है। इक्वेशन का मीन्स जहाँ पर आपको इक्वल टू साइन मिलता है। ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो और उसमें इक्वेशन का साइन मिले, वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है हमारी। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, वो होती है हमारी ए एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन करने वाले हैं, वो हम वन वेरिएबल में करने वाले हैं। जैसे हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या है हमारी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, जिसमें हमारे पास ए बी सी क्या है, यहाँ पर ए बी सी आर कॉन्स्टेंट्स हैं। कॉन्स्टेंट का मीन्स जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5 इस टाइप की जो वैल्यूज होती हैं, वो उनको हम कॉन्स्टेंट बोलते हैं। ए बी सी आर कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, ये ए बी सी हमारे यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स हैं। अब देखो, जैसे कोई लीनियर इक्वेशन होती है, जैसे हमारे पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो, मीन्स जैसे ये कोई एक लाइन है, तो इस तरीके की जो लाइन होती है वो ग्राफ पर अगर हम ड्रॉ करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन देती है। लेकिन इस टाइप की जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं, ये वाली जो लाइन की इक्वेशन होती हैं, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन नहीं होती, ये कर्व की इक्वेशन होती है, जिसे हम पैराबोला कहते हैं। ये पैराबोले की इक्वेशन होती है। हायर स्टैंडर्ड से आप 11th में जाओगे तो अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, अभी सिर्फ हमें इसके बारे में बात करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में तो सिंपल आपको बताना है कि कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो, ठीक है, वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, इक्वल टू साइन दिखना चाहिए हमें, इक्वल टू साइन आना चाहिए कहीं पर भी। और हाईएस्ट पावर 2, किसकी हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की, जो भी वेरिएबल यूज हो रहा है, एक्स वाई जेड जो भी वेरिएबल यूज हो रहा है, और वेरिएबल एक ही होगा। अगर एक्स है तो सभी में एक्स होगा हमारा, वाई है तो वाई होगा, जेड है तो जेड होगा, सिंगल एक वेरिएबल यूज होगा, तो उसी को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। अब जैसे हम एग्जांपल्स देखते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए हेल्प से हम एक्सरसाइज 5A को करने वाले हैं, उसमें आप समझ जाओगे, मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि किसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे और किसको नहीं बोलेंगे। जैसे हमारे पास एक्सरसाइज 5A है, 5A में सबसे पहले कह रहा है कि फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर क्वाड्रेटिक। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन क्वाड्रेटिक है और कौन क्वाड्रेटिक नहीं है। कैसे बताएंगे हम, तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, जो भी हमारे पास क्वेश्चन दिया होगा। जैसे हमारे पास ये है 3x, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है हमारा 3x माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5 और एक्स प्लस 8। ओके, ये हमारे पास 3x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 प्लस 8। ओके, अब इसको हमें बताना है कि क्वाड्रेटिक है नहीं। तो क्वाड्रेटिक कब बताएंगे हम, क्वाड्रेटिक जब बता सकते हैं अगर हमारे पास एक्स जो हमारा वेरिएबल यूज हुआ है उसकी हाईएस्ट पावर 2 है। अगर तो यहाँ पर इसकी हाईएस्ट पावर 2 देखेंगे कि है या नहीं है। देखो, वैसे तो इस पर स्क्वायर लग रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो स्क्वायर लग रहा है तो इस पर हाईएस्ट पावर 2 मिली जाएगी हमें। कैसे, देखो अब ये क्या है हमारा a माइनस बी, यहाँ पर यूज करेंगे हम a माइनस बी का होल स्क्वायर। बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, इसमें डायरेक्ट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कर देते हैं, लेकिन ये ऐसे सोल्व नहीं होता। ये ब्रैकेट हम कैसे सोल्व करते हैं, a माइनस बी के आइडेंटिटी की हेल्प से। और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है हमारा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, बुक्स में ऐसे भी लिखा होता है कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आप किसी भी फॉर्म में यूज़ कर सकते हो, दोनों ही फॉर्म में करेक्ट है। तो अगर हम इसमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो ए स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या होगी, ये 3x प्लस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या होगी 1, माइनस 2ab 2a, ए की वैल्यू क्या 3x, बी की वैल्यू क्या 1, इक्वल्स टू 5 इंटू एक्स प्लस 8। नाउ 3x का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, x का स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर 2 3 6x और इक्वल्स टू 5x प्लस 5 8 40। ओके, नाउ अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई और कर लेते हैं। वैसे तो देखो अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 आ गई है और कैंसिल भी नहीं हो रही। माइनस 6x स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम कन्वर्ट करें इसे, माइनस 6x, और यहाँ पर ये माइनस का जो है वो प्लस का जो 5x है, माइनस का 5x हो जाएगा इधर आकर, ये प्लस 1 है एंड ये 40 इधर आकर माइनस 40। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 9x स्क्वायर माइनस 6x और 5x 11x, और ये प्लस और माइनस, प्लस और माइनस कितना हो जाएगा हमारा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस में 39 इक्वल्स टू 0। ओके, ये हो गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसमें हमारे ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है माइनस 11, सी की वैल्यू है माइनस 39। ओके, और देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है हमारी।
तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर नहीं भी आती, मीन्स इसमें ये वाली वैल्यू नहीं होती, सिर्फ एक्स स्क्वायर होता तब भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कही जाएगी। इसमें ये वाली वैल्यू नहीं होती, सिर्फ ये दोनों वैल्यूज होती तब भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती। लेकिन अगर ये वाली वैल्यू नहीं है और सिर्फ ये दोनों वैल्यू है, हाईएस्ट पावर टू नहीं है, तब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोल सकते। तो ये वाली स्टेप, जो ये वाला एक्स स्क्वायर वाला जो हमारा टर्म है ना, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा ही प्रेजेंट होना चाहिए। अगर ये वाला टर्म प्रेजेंट है तो उसे क्वाड्रेटिक बोलेंगे, वरना तो नहीं बोलेंगे। ओके, तो बस हमें यही देखना है। तो जैसे इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड वगैरह की 5x² - 8x = -37 - 2x। तो इस टाइप से क्वेश्चन दिया है, 5x² - 8x = -37 - 2x। ओके, करेंगे इसको 5x² - 8x = 37 - 21 - -+3 = 6। नाउ अब हम इसको इधर लेके आएंगे, 5x² - 8x, 6x इधर आएगा -6x, और 21 इधर आएगा +21 = 0। ओके, अब ये क्या हो गया, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है ये। तो ये हो गई हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो ये क्या हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एक जो हम बात कर रहे थे कि हमेशा जरूरी नहीं है कि उसके पास तीनों ही टर्म्स हों, अगर उसके पास ओनली ये वाला टर्म भी है तो वो क्वाड्रेटिक होगी। तो ये वाला टर्म हमारा एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म है वो कंपलसरी है, वो जरूर होना चाहिए, तो वो क्वाड्रेटिक है। अगर यही प्रेजेंट नहीं है तो क्वाड्रेटिक नहीं है, तब हम इसको लीनियर बोलेंगे, क्योंकि अगर इसमें सिर्फ एक्स रह गया तो लीनियर हो गया, एक्स की पावर 1 है। ओके, जिसकी पावर एक्स की पावर 1 होती तो लीनियर, एक्स की पावर हाईएस्ट पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक, हाईएस्ट पावर 3 होती तो क्यूबिक, इस टाइप से हम कहते हैं इसमें। तो यहाँ पर सिर्फ हमें क्वाड्रेटिक देखना है, तो क्वाड्रेटिक। थर्ड वाला क्वेश्चन है, देखो थर्ड में है x - 4 3x + 1 = 3x - 1 and x + 2। ये क्वेश्चन हमारा x - 4 3x + 1 3x - 1 x + 2। अब इसको देखना है क्वाड्रेटिक है या नहीं, देखो कहीं भी स्क्वायर नहीं आ रहा। लेकिन अगर हम इसे सोल्व करेंगे तो क्या होगा, देखो x को पहले इन दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x को इसके साथ भी, इसके साथ भी। तो हम इसको x को ऐसे लिख सकते हैं कि x की मल्टीप्लाई अगर हमें इन दोनों के साथ लिखनी है तो इसको हम x को इस टाइप से लिख सकते हैं, इजी हो जाएगा थोड़ा। फिर -4 को मल्टीप्लाई करना है इन दोनों से, तो फिर इसके -4 के साथ ये दोनों लिख सकते हैं। ऐसे ही सेम इसमें 3x की मल्टीप्लाई इन दोनों से करनी है, तो 3x की मल्टीप्लाई x + 2 से, फिर -1 की मल्टीप्लाई x + 2 से। नाउ x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो अब मल्टीप्लाई कैसे करनी है, x को x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x स्क्वायर आएगा, ध्यान रखना है। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 2 मतलब x स्क्वायर आएगा, और ये 3 का 3 रह जाएगा, क्योंकि देखो इसके साथ कुछ भी नहीं है मल्टीप्लाई में, कांस्टेंट की कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होती है और वेरिएबल की वेरिएबल से। अब ऐसे ही 1x की 1 से करेंगे तो 1 की 1 में हो जाएगी, और x का x रह जाएगा क्योंकि इसके साथ कोई भी x नहीं है। ओके, नाउ 4 की 3 में करेंगे, 4 3 = 12, ये माइनस का साइन यहाँ पर आएगा, 4 3 = 12 और x का x रह जाएगा। ओके, तो अगर सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू तो कांस्टेंट की कांस्टेंट से करेंगे, वेरिएबल ऐसे का ऐसे सेम एज इट इज रह जाएगा, -4 × +1। अब देखो साइन किसका आएगा, माइनस और प्लस आएगा, माइनस साइन, 4 × 1 = 4, यहाँ पर 4 × 1 = 4 हो जाएगा। सेम एज इट इज 3x को x में करेंगे तो सिर्फ x को x में कर देंगे, x स्क्वायर हो जाएगा, 3 एज इट इज रहेगा क्योंकि इसके साथ कांस्टेंट वैल्यू है ही नहीं। इन दोनों करेंगे, देखो इसमें कांस्टेंट वैल्यू है तो 3 को 2 से करेंगे तो 6 हो जाएगा, और x का x रह जाएगा क्योंकि इसके साथ x है, इसके साथ x है ही नहीं। ओके, यहाँ पर -1, देखो माइनस का साइन है, ये माइनस का है और ये एक्स का है प्लस का, तो -+-1 की एक्स से करेंगे तो 1x लिखो या सिंपल x लिखो, -+-1 को 2 से लिखोगे तो 2। नाउ अब देखो आप क्या ये टर्म कैंसिल हो रहा है, देखो यस टर्म कैंसिल हो रहा है, 3x² से कैंसिल हो रहा है। क्यों हो गया कैंसिल, इक्वल्स टू के अगर दोनों तरफ वैल्यू होती है, दोनों का सेम साइन होता है तो कैंसिल हो जाती है। क्यों, क्योंकि अगर ये 3x² इधर लेके आते तो -3x² हो जाता, और -3x² +3x² कैंसिल होकर 0 हो जाता। इसको सोल्व करेंगे, प्लस का x है, माइनस का 12 है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, लेकिन माइनस का क्या आएगा, 11x आएगा, माइनस का 11 x इसलिए आएगा क्योंकि माइनस का 12 ग्रेटर है। देखो प्लस माइनस तो करेंगे हम साइन के अकॉर्डिंग, की प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो करेंगे माइनस, लेकिन साइन किसके अकॉर्डिंग आता है, जो वैल्यू बड़ी होती है, तो ये ध्यान रखना है। इसमें भी बच्चे कन्फ्यूजन हो जाती है बच्चों को, तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं रखना है, आपको सिंपल प्लस माइनस किस रूल के अकॉर्डिंग करना है, जैसे हमारे पास होता है माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस 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 होता है, ओके, प्लस माइनस होता है, एंड प्लस माइनस माइनस होता है, तो इस रूल के अकॉर्डिंग तो प्लस माइनस करेंगे। ओके, जैसे इस पर माइनस होता है, इस पर माइनस होता है, तो माइनस माइनस इन दोनों करते, प्लस तो 13 आता, लेकिन साइन आता माइनस का 12 ग्रेटर है। इसके पास प्लस है, इसके पास माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस करेंगे दोनों को, माइनस 1x और 12x माइनस करेंगे 11x आएगा, लेकिन साइन किसका आएगा, जो वैल्यू बड़ी है, ग्रेटर वैल्यू, ठीक है। 6x - x 5x होगा हमारा, एंड -2। नाउ
अब देखो ये हमारी लीनियर ही बचेगी, अब तो क्वाड्रेटिक आएगी नहीं, हम इसे डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन होगी क्योंकि इसमें एक्स की हाईएस्ट पावर 1 आ रही है। ओके तो ये इसको यहाँ पर छोड़ सकते हैं या फिर इसको और सोल्व कर सकते हैं, 11x, ये माइनस का 5x, माइनस का 4, ये माइनस का 2 इधर आकर प्लस का 2, ये कितना हो जाएगा माइनस का 16x, ये कितना हो जाएगा माइनस और प्लस, माइनस होगा लेकिन माइनस का 2 आएगा क्योंकि माइनस का 4 ग्रेटर है, यही क्या होगी हमारी लीनियर इक्वेशन होगी, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 थे, देखो यदि गिवन के एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 5 इक्वल्स टू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, इसको सोल्व करना है, बताना है कि क्वाड्रेटिक होगी या नहीं। देखो अभी तो क्वाड्रेटिक लग रही है क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर आ रहा है, लेकिन अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू ए की वैल्यू x इंटू बी की वैल्यू 3, अब ये एक्स स्क्वायर, ये 5x, ये माइनस 5 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये 3 जा 9 और ये माइनस 2 जा 6x, एक्स स्क्वायर कैंसिल, 5x 6x इधर आएगा हमारा 5x और प्लस 6x, नाउ ये माइनस 5 और ये प्लस का 9 इधर आकर माइनस 9। ओके अब करेंगे अगर हम इसको 5 और 6, 11x माइनस माइनस प्लस माइनस का 14 इक्वल्स टू 0, लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक नहीं है। ओके तो इसे हम कहेंगे लीनियर क्वाड्रेटिक नहीं है। नेक्स्ट है हमारा 7x³ माइनस 2x² प्लस 10 इक्वल्स टू 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब इसमें तो पहले से ही ऑलरेडी क्यूब आ गया और यहाँ पर क्यूब बन ही नहीं रहा है, यहाँ तो हमारा स्क्वायर ही बनेगा, तो क्यूब कैंसिल ही नहीं होगा, तो ये क्यूबिक इक्वेशन है क्योंकि अगर आप इसे सोल्व करते हो, सिंपलीफाई कर लेते हो बिल्कुल, तब भी हमारा ये क्यूब कैंसिल नहीं होगा इसमें, और क्यूब कैंसिल नहीं होगा तो हाईएस्ट पावर 3 है, और हाईएस्ट पावर 3 को क्या कहते हैं हम, क्यूबिक। इसमें क्या लगाएंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ओके 2 इंटू ए इंटू बी, सोल्व करेंगे ये 7x³ माइनस 2x² प्लस 10, इसको सोल्व करेंगे 4x² 5 का स्क्वायर 15 माइनस 2 जो 4 5 20x। ओके नाउ इसको सोल्व करेंगे 7x³ माइनस 2x² माइनस 4x² प्लस, ये देखो प्लस का 10 और ये माइनस का 25 और ये माइनस का 20 प्लस का 20 हो जाएगा इक्वल्स टू 0, 20x हो जाएगा सॉरी। तो ये 7x³ 2x² 4x² माइनस 6x², अब ये प्लस का कितना हो जाएगा हमारा, प्लस का 20x और ये प्लस माइनस माइनस का 15। तो क्या ये क्वाड्रेटिक है, नहीं ये क्यूबिक है क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर 3 आ रही है। सिक्स वाला देखते हैं इसमें, अब सिक्स वाले में देखो कुछ इस टाइप से दिया है, यहाँ पर एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ओके ये हो गया हमारा, बताना है क्वाड्रेटिक है नहीं, देखो देखने से तो लग रहा है क्योंकि स्क्वायर आ रहा है इसमें, अब देखेंगे क्या स्क्वायर कैंसिल तो नहीं हो रहा। तो इसमें पहले a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर बनाएगा, माइनस 2ab करेंगे तो 2 इंटू एक्स इंटू 1 तो 2x हो जाएगा, डायरेक्ट कर दिया है हमने। ऐसे इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab करेंगे तो 2 इंटू एक्स इंटू 2, 2 टू 4 एक्स हो जाएगा प्लस 3x और प्लस ये 3x और 3 बन जा 3 इक्वल्स टू 0। ओके नाउ एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x 4x 3x, 4 और 3 7, 7 में से 2 5, तो प्लस का 5x आएगा क्योंकि प्लस का 7 होगा ये। नाउ 1 और 4 5, 5 और 3 8, तो ये 8 इक्वल्स टू 0। ओके ये हो गई तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके गाइस ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट। सेकंड में क्या करना है, देखो सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है कि इज एक्स इजिकल्स टू 5 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, क्या एक्स इजिकल्स टू 5 इसका सॉल्यूशन होगा। अब देखो सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है, सॉल्यूशन 0 रूट इसका मीनिंग है कि ये इसको वैल्यू को, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। कैसे कि अगर हम एक्स के प्लेस पर इस वैल्यू को रखते हैं, 5 को एक्स के प्लेस पर रखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो इसका एलएचएस आरएचएस के इक्वल आना चाहिए, तो ये इसकी वैल्यू है वरना नहीं है। ओके तो अगर हमारे पास है क्या एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल्स टू 0, इसकी वैल्यू अगर हम फाइंड करते हैं एट एक्स इजिकल्स टू 5 पर, तो देखते हैं इसका आंसर हमारा एलएचएस आरएचएस के इक्वल आएगा या नहीं। तो एक्स के प्लेस पर 5, 5 का स्क्वायर माइनस 2, एक्स के प्लेस पर 5 माइनस 15 इक्वल्स टू 0, 5 का स्क्वायर 25, 2 5 जा 10 माइनस 15 इक्वल्स टू 0, ये 25
माइनस और माइनस प्लस 25 इक्वल्स टू जीरो, देखो LHS RHS के इक्वल आ रहा है, हैंस ये क्या है इसका सॉल्यूशन है, बस यही बताना है हमें इसमें। सिमिलरली आप इसको भी कर सकते हो, सेकंड पार्ट जो दिया है इसका हमें, इसका सेकंड पार्ट भी गिवन किया है, इसका फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट में कह रहा है कि इस एक्स माइनस थ्री इज अ सॉल्यूशन, क्या एक्स माइनस थ्री इज अ सॉल्यूशन होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या है हमारे पास, 2x² माइनस 7x प्लस 9 इक्वल्स टू जीरो, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है एट x इज इक्वल्स टू कहाँ पर, एट x इज इक्वल्स टू माइनस थ्री पर, एट x इज इक्वल्स टू माइनस थ्री पर इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे हम, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा x की वैल्यू, x के प्लेस में माइनस थ्री पुट करेंगे, स्क्वायर माइनस सेवन इंटू माइनस थ्री, ओके नाउ प्लस नाइन इक्वल्स टू जीरो, इसको करेंगे तो टू माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस नाइन हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस सेवन, थ्री से 21 हो जाएगा, और प्लस नाइन इक्वल्स टू जीरो, ये क्या है, टू नाइन से 18 है, टू नाइन जा 18 है हमारा, ये 21 है और ये 9 है, क्या इन सभी का सम जीरो आ रहा है, नहीं आ रहा है इन सभी का सम जीरो, कितना आ रहा है इन सभी का सम 30 और ये 48, 48 नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, तो हम लिख देंगे x इक्वल्स टू माइनस थ्री इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हम कह रहा है कि इफ रूट टू अपॉन थ्री इज द सॉल्यूशन, अभी कह रहा है कि रूट टू अपॉन थ्री इसका सॉल्यूशन है, तो अगर इसका सॉल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई करता है, तो इसका सेटिस्फाई करता है अगर इसका सॉल्यूशन है, तो सिंपल हम लिख देंगे अगर हम एक्स प्लेस पर ये वैल्यू पुट कर देंगे तो इक्वल्स टू जीरो होगी, और फिर हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, कैसे, अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है 3x² प्लस mx, 3x² प्लस mx, 3x² प्लस mx एंड प्लस 2 = 0, mx प्लस 2 = 0, इसमें अब आपको पुट करना है क्या, x = रूट में क्या, रूट में 2/3, तो रूट में 2/3 पुट करेंगे इसमें, हम रूट में 2/3 पुट करेंगे, 2/3 पुट कर देंगे, कितना आएगा यहाँ पर, रूट में 2/3 इसका होल स्क्वायर प्लस m, यहाँ पर रूट में 2/3 फिर प्लस 2 = 0, नाउ अब इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा, 3 × रूट, यहाँ पर रूट लगा हुआ है और स्क्वायर, रूट पर स्क्वायर होता है तो कैंसिल हो जाती है रूट की वैल्यू, मतलब रूट हट जाता है और ये हो जाएगा 3, रूट क्यों हट जाता है, क्योंकि रूट का मीन से पावर 1/2, और पावर 1/2 में 2 × करेंगे तो पावर 1 बचेगी, ओके। अब ये ऐसे ही हमारा क्या है, रूट इसको क्या लिख सकते हैं, एम रूट 2/√3, देखो रूट 2/3 को हम रूट 2/√3 भी लिख सकते हैं अलग अलग, ओके। यहाँ पर इससे कैंसिल हो जाएगा 2, ये 2 और 2 क्या हो जाएगा हमारा, ये 2, ये एम रूट 2/√3 प्लस 2 = 0, 2 × 2 = 4 हो जाएगा, एम रूट 2/3 प्लस 4 = 0, 4 इधर आकर माइनस हो जाएगा, एम रूट 2/√3 इक्वल्स टू माइनस 4, एम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4√3 और डिवाइड बाय रूट 2, ओके। ये लिख सकते हैं हम, या तो हम इसमें या फिर इसको रेशनलाइज कर सकते हैं, रेशनलाइज कैसे, कि आप रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, अगर m की वैल्यू हमारी ये आ रही है 4√3/√2, तो हम क्या करेंगे, रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, रूट को हटाएंगे डिवाइड से, डिवाइड से रूट को हटाएंगे, क्या मिलेगा हमें, यह रूट 2, सॉरी ये रूट 2 रूट 2, ये मिलेगा हमें 2, ये मिलेगा हमें 2, रूट 2 भी रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाएगा, माइनस 4 और ये रूट 2 × √3 माइनस 4√6 हो जाएगा, ओके। रूट 3 की रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 6, रूट वाली वैल्यू से ही मल्टीप्लाई होती है, ओके, या फिर डिवाइड होती है, बाहर वाली वैल्यू से नहीं होगी। अब ये रूट 2 और 2 2 हो गया तो 2 से कैंसिल कर देंगे तो बचेगा क्या हमारा, -2√6, ये होगी हमारी m की वैल्यू, ओके। तो ये हो जाएगी हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है कि 2/3 and 1 आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन mx² प्लस nx + 6 = 0। इस बार टू वैल्यूज दी हैं, मतलब टू सॉल्यूशन दिए हैं, इसलिए इसने टू वेरिएबल्स भी दिए हैं, टू वेरिएबल्स भी गिवन किए हैं इसने, क्वेश्चन जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसकी वैल्यू हम टू वैल्यूज पर निकालेंगे, पहले निकालेंगे एट x = 2/3 पर इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो एट x = 2/3 अगर हम पुट करते हैं किसके प्लेस पर, x के प्लेस पर, तो 2/3² प्लस एन एक्स के प्लेस पर 2/3 प्लस 6 = 0। अब इसको सोल्व करेंगे, m 2/3 करेंगे हम तो 4/9 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर n 2/3 हो जाएगा और प्लस 6 = 0। आप चाहो तो इस 6 को इधर लेके आ सकते हो, ठीक है, इस 6 को इधर लेके आ सकते हो, या फिर इनको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 4 × m 4m/9 प्लस 2n/3
और प्लस सिक्स को इधर आकर माइनस सिक्स लिख सकते हैं। नाउ हम इनका एलसीएम लेंगे, नाइन और थ्री का एलसीएम कितना आएगा नाइन, ये फोर एम का फोर एम रहेगा क्योंकि नाइन नाइन को वन टाइम से डिवाइड कर रहा है, थ्री नाइन को थ्री टाइम से डिवाइड करेगा, थ्री थ्री जा नाइन, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा ये थ्री टू जा सिक्स एन इक्वल्स टू माइनस सिक्स। नाउ अब हम क्या करेंगे यहाँ पर फोर एम प्लस सिक्स एन इक्वल्स टू नाइन सिक्स जा फिफ्टी फोर, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। सेम एज इट इज़ इसकी वैल्यू हम निकालेंगे एट एक्स इज इक्वल्स टू किस पर, क्या वैल्यू दिया हमें वन, एट एक्स इज इक्वल्स टू वन पर भी हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू निकालेंगे तो एम एक्स के प्लेस पर वन प्लस एन एक्स के प्लेस पर वन प्लस सिक्स इक्वल्स टू जीरो, यहाँ कितना हो जाएगा एम प्लस एन और प्लस सिक्स को इधर लेके आएंगे हम माइनस का सिक्स हो जाएगा। क्या अब इसमें एम और एन की वैल्यू हम सेम कर सकते हैं, कर सकते हैं कैसे, या तो आप इसमें फोर को मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा ये फोर एम प्लस फोर एन और फोर सिक्स जा ट्वेंटी फोर, इसे इक्वेशन नंबर आप सेकंड मान लो, इसको इक्वेशन नहीं लेते हम फोर की मल्टीप्लाई करके। अब इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर दो, आप इन दोनों इक्वेशन को माइनस करोगे आप तो फर्स्ट माइनस सेकंड, तो यहाँ पर किया हमने फोर एम प्लस सिक्स एन इक्वल्स टू माइनस फिफ्टी फोर, यहाँ पर किया फोर एम प्लस फोर एन इक्वल्स टू माइनस ट्वेंटी फोर, माइनस करेंगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा कैंसिल, प्लस माइनस माइनस टू एन ये प्लस माइनस, माइनस का कितना आ जाएगा थर्टी, एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस फिफ्टीन, एन की वैल्यू माइनस फिफ्टीन आ जाएगी। अब हम इस एन की वैल्यू को इस वाली इक्वेशन में पुट कर सकते हैं या फिर इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, तो अगर हमने इस इक्वेशन में पुट किया इसे फ्रॉम इक्वेशन एम प्लस एन इक्वल्स टू माइनस सिक्स, अब इसमें भी कर सकते हो इसमें भी कर सकते हो सेम आंसर आएगा सभी से। एन की वैल्यू अगर हम माइनस फिफ्टीन पुट कर रहे हैं, एन की वैल्यू क्या कर रहे हैं माइनस फिफ्टीन पुट कर रहे हैं, ये प्लस की वैल्यू एन की वैल्यू माइनस फिफ्टीन इक्वल्स टू माइनस सिक्स, अब ये एम प्लस माइनस माइनस फिफ्टीन इक्वल्स टू माइनस सिक्स, एम माइनस फिफ्टीन इधर आकर प्लस का फिफ्टीन माइनस सिक्स, एम की वैल्यू नाइन, ओके एम की वैल्यू आ गई नाइन और एन की वैल्यू आ गई माइनस फिफ्टीन, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फोर। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, कह रहा है कि इसमें कि इफ थ्री एंड माइनस थ्री आर द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है इसमें भी हमें, इसमें भी देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गिवन की है हमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस नाइन इक्वल्स टू जीरो, और इसमें दो वैल्यूज दिए हैं एक्स इजिकल्स टू थ्री एंड एक्स इजिकल्स टू माइनस थ्री, एक्स इजिकल्स टू थ्री पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी ए एक्स के प्लेस पर थ्री स्क्वायर प्लस बी एक्स के प्लेस पर थ्री माइनस नाइन इक्वल्स टू जीरो, ये कितना हो जाएगा थ्री थ्री जा नाइन नाइन ए, ये हो जाएगा थ्री बी माइनस नाइन इधर आकर प्लस नाइन, ये इक्वेशन फर्स्ट ले सकते हैं या फिर इसमें से हम थ्री कॉमन भी ले सकते हैं, थ्री कॉमन लेंगे तो थोड़ी सिंप्लीफाई हो जाएगी वैल्यू, जैसे थ्री कॉमन लेते हैं दोनों से तो इसके पास थ्री रह जाएगा और इसके पास थ्री तो कॉमन ले लिया सिर्फ बी रह जाएगा इक्वल्स टू नाइन, थ्री से कैंसिल कर लेंगे, कैंसिल क्यों हो रहा है क्योंकि थ्री में ये थ्री इधर आकर डिवाइड में आता क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो हम इसको डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं थ्री थ्री से नाइन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एट एक्स इजिकल्स टू माइनस थ्री पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे, एट एक्स इजिकल्स टू माइनस थ्री पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ए एक्स प्लस वन माइनस थ्री होल स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस वन माइनस थ्री माइनस नाइन इक्वल्स टू जीरो, अब ये करेंगे ए माइनस थ्री का स्क्वायर नाइन, ये प्लस माइनस माइनस थ्री बी और ये माइनस नाइन इक्वल्स टू जीरो, ये कितना हो जाएगा हमारा नाइन ए माइनस थ्री बी और ये माइनस नाइन इक्वल्स टू जीरो, अब आप इसमें से भी थ्री कॉमन ले सकते हो, ठीक है थ्री कॉमन लेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा थ्री ए माइनस बी और ये माइनस थ्री थ्री जै नाइन इक्वल्स टू जीरो, ये थ्री इधर आकर डिवाइड में जाएगा और जीरो डिवाइड बाय थ्री जीरो हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर थ्री ए माइनस बी और माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो, ये जीरो मतलब थ्री डिवाइड बाय कर जीरो हो गया, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी हमारी थ्री ए माइनस बी इक्वल्स टू थ्री। नाउ अब इन दोनों इक्वेशन को देखो आप, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को, दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर सकते हैं माइनस भी कर सकते हैं, दोनों से ही सॉल्व हो जाएगा, तो अगर हमने इनको ऐड किया तो क्या होगा देखो थ्री ए प्लस बी इक्वल्स टू थ्री और ये थ्री ए माइनस बी इक्वल्स टू थ्री, ये कैंसिल हो जाएगा, अगर हम ऐड करते हैं तो साइन चेंज नहीं होते, माइनस करते तो साइन चेंज हो जाते, ये कितना हो जाएगा थ्री और थ्री सिक्स ए इक्वल्स टू सिक्स, ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारी वन, ए की वैल्यू वन आ गई तो आप कोई भी इक्वेशन यूज़ कर सकते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में से कोई भी इक्वेशन यूज़ कर सकते हो, फर्स्ट इक्वेशन यूज़ की हमने थ्री ए प्लस बी इक्वल्स टू थ्री और ए की वैल्यू कितनी है वन, ए की वैल्यू वन है तो ए के प्लेस पर वन रखेंगे प्लस बी इक्वल्स टू थ्री, यहाँ बी थ्री इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस थ्री और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी जीरो, अगर आप इन दोनों इक्वेशन को माइनस भी करते तो भी आंसर सेम आता, जैसे अगर हम इसे करके देखें
थ्री ए प्लस बी इक्वल्स टू थ्री, एंड ये हो जाता थ्री ए माइनस बी इक्वल्स टू थ्री। माइनस करते तो साइन चेंज हो जाते, ये कैंसिल हो जाता है, टू बी हो जाता और ये जीरो और बी की वैल्यू हो जाती है जीरो। बी की वैल्यू जीरो हम किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे, यहाँ जीरो पुट कर देते तो ए की वैल्यू कितनी आती है वन आ जाती। तो आप कैसे भी कर सकते हो इसको। ओके तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फाइव, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट देखेंगे इसमें एक्सरसाइज में क्या है। देखो नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको सबसे पहले नेचर बताना है कि उसका नेचर कैसा होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मींस जो उसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे वो कैसे होंगे। अब देखो ये नेचर ऑफ द रूट्स है क्या ये सिस्टम। देखो जैसे हमने नाइन्थ क्लास में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग किया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं, तो जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं उस पर बेस्ड है ये सारा है, जो बेस्ड है वो उसी फॉर्म पर बेस्ड है जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जैसे ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। अगर कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन की है, तो हम उसके नेचर को बिना सोल्व किए बता सकते हैं कि जो उसके सॉल्यूशन आएंगे, जो उसके फैक्टर आएंगे वो दोनों इक्वल आएंगे या नहीं आएंगे, ठीक है, वो पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है। कैसे, उसके लिए हम निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू को, जिसको हम कहते हैं डी। डी इजिकल्स्ट होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, डी स्क्वायर डी इजिकल्स्ट होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अब इसका डी का भी नहीं, यहाँ पर डी को क्या बोलते हैं हम, डिस्क्रिमिनेट बोलते हैं, तो ये डिस्क्रिमिनेट हम निकालते हैं इसमें। ओके डिस्क्रिमिनेंट, अब ये जो डी की वैल्यू बताती है कि इसके नेचर कैसे होंगे, क्या ये दोनों रूट इक्वल आएंगे, दोनों ही एक्स की वैल्यू इक्वल आएंगे सोल्व करने के बाद, दोनों एक्स की वैल्यू डिफरेंट है आएंगी मतलब अलग अलग आएंगी, या फिर आएंगी या फिर नहीं भी आएंगी, ठीक है, ये भी बताता है हमें कैसे। अब देखो अगर इस डी की वैल्यू, इस डी की वैल्यू ये किसके इक्वल आ जाए, जीरो के इक्वल आ जाए, मींस आपने यहाँ पर बी की वैल्यू रखी, ए की वैल्यू रखी, सी की वैल्यू रखी, इसको सोल्व किया इसका आंसर आ गया जीरो, तो यहाँ पर आप क्या आएंगे, रियल और इक्वल रूट, रियल एंड इक्वल रूट, ठीक है, रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे। रियल का मतलब कोई भी रियल वैल्यू, रियल वैल्यू हमने किए अपने नाइन्थ क्लास में, रियल वैल्यू टू पार्ट्स में डिवाइड होती हैं, रेशनल या फिर इरेशनल, तो जितनी वैल्यू हम पढ़ते हैं वो सभी रियल होती हैं। फिर हम बात करते हैं अगर डी हमारा क्या आ जाए, डी आ जाए ग्रेटर देन जीरो आ जाए, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आ जाए, आपने इसको सोल्व किया और ये पॉजिटिव आंसर आया, पॉजिटिव मीन्स जीरो से बड़ी वैल्यू आई, ओके, तो ये भी क्या होंगे हमारे रियल एंड डिफरेंट रूट होंगे, रियल और डिफरेंट या फिर डिस्टिंक्ट रूट भी कह सकते हैं हम, डिस्टिंक्ट रूट, ओके। और अगर ये वैल्यू डी की वैल्यू हमारी लेस देन जीरो आ गई, लेस देन जीरो का मतलब डी की वैल्यू लेस देन जीरो का मतलब ये वाली वैल्यू आपकी नेगेटिव आ गई सोल्व करने के बाद, तो इसके क्या होंगे, इमेजिनरी रूट होंगे, या फिर हम कह देंगे कि इसके रूट्स पॉसिबल ही नहीं होंगे, ठीक है, तो इसमें इमेजिनरी रूट्स होंगे या फिर रूट्स नॉट पॉसिबल, रूट डज नॉट एग्जिस्ट, ये वाली कंडीशन होती है। अब इसके लिए देखो एक एक एग्जाम्पल लेंगे हम कैसे, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली, क्या जैसे हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले ली, ये एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स और प्लस फोर ओके इक्वल्स टू जीरो। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसकी एक्स की वैल्यू, इसकी जो दोनों एक्स की वैल्यू सोल्व करने के बाद, इसके फैक्टर करने के बाद दोनों एक्स की वैल्यू सेम आएंगी या नहीं आएंगी, या फिर पॉसिबल है या नहीं है, कैसे पता लगेगा, इस डी की वैल्यू से। तो सबसे पहले हम डी निकालेंगे कैसे, देखो डी क्या होता है हमारा, डी होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अब ये बी ए सी की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, ये हमने बताया था अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म को देखें तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट होगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या है वन, एक्स का कोफिशियंट क्या है फोर, और ये कॉन्स्टेंट वैल्यू क्या है फोर, ओके। तो यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू अगर हम कंपेयर करें तो ए की वैल्यू आएगी वन, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट ए, एक्स का कोफिशियंट बी, तो बी की वैल्यू क्या आएगी फोर, एंड सी की वैल्यू क्या आएगी फोर। नाउ अब हम इसको पुट करेंगे, डी की वैल्यू निकालेंगे, बी की वैल्यू क्या है फोर, फोर का स्क्वायर कर दिया माइनस फोर, ए की वैल्यू क्या है वन, सी की वैल्यू क्या है फोर, ये कितना हो जाएगा फोर फोर से सिक्सटीन, माइनस फोर फोर से सिक्सटीन, आंसर कितना आ रहा है जीरो, आंसर जीरो आ गया। इसका मींस ये क्या है हमारे इक्वल रूट्स देगी हमें, इक्वल रूट्स कैसे, आप कर भी सकते हो इसको, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हमने किया था नाइन्थ क्लास में, अगर आपने नाइन्थ क्लास में नहीं किया तो नाइन्थ क्लास का थोड़ा सा आप उसको पार्ट देख लो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का, वो फाइव चैप्टर हमारा फैक्टराइजेशन वाला, नहीं किया तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और उसको हम और भी डिटेल में करेंगे, इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी सी एक्सरसाइज है, उसमें हमारा फैक्टराइजेशन ही है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का, ओके, उसका हम और डिटेल में भी करेंगे, जिससे आपको जो भी मतलब नाइन्थ क्लास में जो क्लियर नहीं हुआ होगा वो भी हम इसमें क्लियर करेंगे, आपको सब चीज़ें बताएंगे बिल्कुल डिटेल में कि कैसे हम फैक्टर्स फाइंड करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के, किस टाइप से उसको आप इजिली कर सकते हो सोल्व, बहुत ईजी होते हैं, टफ नहीं होता। देखो हमें सब देखना क्या होता है इसमें, अगर हम इसके फैक्टर करने तो क्या देखना होता है, क्या देखना होता है कि आपको सबसे पहले देखना है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर क्या है वन, फिर आप इस वन की मल्टीप्लाई करोगे किसमें फोर में, मतलब इस कांस्टेंट वैल्यू में, जो भी आंसर आएगा आपका उसको वन को फोर मल्टीप्लाई करेंगे फोर आएगा,
फोर के साथ यहाँ पर प्लस साइन है माइनस साइन है वो डिपेंड करेगा कि आपका फैक्टर प्लस करने पर ये आनी चाहिए वैल्यू या फिर माइनस करने पर। अगर यहाँ पर प्लस साइन है तो प्लस करने पर, जैसे वन इंटू फोर किया फोर, फोर की वैल्यू प्लस करने पर, फोर को आपको ऐसे ब्रेक करना है, फोर के ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस करने पर उसका आंसर फोर आए। तो फोर के तो फैक्टर टू इंटू टू ही होते हैं, तो और ये टू इंटू यहाँ पर क्या होता है टू, टू प्लस टू फोर भी होता है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे क्या, फोर को क्या लिखेंगे टू प्लस टू। ऐसे करने से क्या होगा, इसके फैक्टर मिल जाएंगे हमें। कैसे, अब क्या करते हैं इस एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इस एक्स को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो टू एक्स, फिर यहाँ पर ये टू एक्स प्लस फोर इक्वल्स टू जीरो। नाउ अब इन दोनों में से फिर हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग के फर्स्ट टू टर्म्स में से और लास्ट टू टर्म में से कॉमन लेते हैं। यहाँ पर एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस टू, एंड देन यहाँ पर हम टू कॉमन लेंगे दोनों से तो एक्स प्लस टू। आपको हमने बताया था नाइन्थ क्लास में कि यहाँ पर जो फैक्टर मिल रहा है दोनों में ये बिल्कुल सेम आना चाहिए। यहाँ पर एक्स प्लस टू बच रहा था, यहाँ पर भी एक्स प्लस टू ही होना चाहिए, तभी आपका करेक्ट है, वरना ये गलत है, कहीं ना कहीं मिस्टेक किया आपने। अब एक्स प्लस टू और एक्स प्लस टू दोनों में से कॉमन लेंगे, एक्स प्लस टू और एक्स प्लस टू दोनों में ही कॉमन है हमारा, तो दोनों से हमने एक्स प्लस टू लिया। इसके पास एक्स बच गया, इसके पास टू बच गया। अब देखो आप क्या है, दोनों फैक्टर सेम आ रहे हैं, यस दोनों फैक्टर सेम आ रहे हैं। एक्स की वैल्यू निकालोगे तो दोनों एक्स की वैल्यू क्या आएंगी हमारी, इक्वल आएंगी, माइनस टू माइनस टू। तो देखो इतना हमने किया जब जाके हमें पता लगा कि दोनों वैल्यू इक्वल आ रही हैं, लेकिन अगर हम अपने डी की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं हमें डायरेक्ट पता चल जाता है कि इसके आने वाले जो रूट क्या होंगे, इक्वल होंगे या नहीं। ठीक है, तो नाइन्थ क्लास में तो सिर्फ हम इसे सोल्व करते थे, जब निकल जाता आंसर तब हम बता देते कि रूट इक्वल है या नहीं, लेकिन यहाँ पर हम इसकी हेल्प से, डी की हेल्प से हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि जो आने वाला रूट होगा वो इक्वल होगा या नहीं। जैसे अगर हम और अदर एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसी का ही कोई अदर एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर, कि हमने एग्जाम्पल लिया क्या, इसी को एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ पर इसके फैक्टर्स सेम आएंगे या फिर डिफरेंट आएंगे, कैसे पता चलेगा, d की वैल्यू से। सबसे पहले हम a b c की वैल्यू कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू क्या होगी, हम 1, b की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 5, एंड c की वैल्यू क्या होगी 4। d की वैल्यू निकालेंगे, d इक्वल्स टू होता है बी स्क्वायर, बी की वैल्यू 5 माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 4। 5 से 25 माइनस 4 से 16, कितनी आ रही है वैल्यू, 9 आ रही है, 9 वैल्यू आ रही है। इसका मीन्स इसके फैक्टर डिफरेंट आएंगे, इसके जो फैक्टर्स आएंगे वो डिफरेंट आएंगे, मीन्स इसकी जो एक्स की वैल्यू आएगी वो दोनों ही डिफरेंट होगी। डिफरेंट कैसे होगी, आप इसको फाइंड भी कर सकते हो, कैसे कर सकते हो फाइंड, जैसे अब आप देखो यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर प्लस फोर के फैक्टर प्लस करने पर, देखो वन इंटू फोर करेंगे फोर, फोर के फैक्टर प्लस करने पर फाइव आए, तो लिखेंगे इसे फोर बन जा फोर इंटू एक्स प्लस फोर इक्वल्स टू जीरो। यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस वन एक्स प्लस फोर इक्वल्स टू जीरो। ये x कॉमन लेंगे तो x प्लस फोर प्लस इन दोनों से क्या कॉमन लेंगे, देखो कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों में, तो हम वन कॉमन लेंगे तो x प्लस फोर होगा। ओके, क्योंकि वन सभी के साथ कॉमन फैक्टर होता है, वन सभी का फैक्टर होता है, तो यहाँ पर x प्लस फोर और यहाँ पर x प्लस वन। देखो दोनों ही वैल्यूज जो आ रही है हमारी डिफरेंट आ रही है, ये भी डिफरेंट आ रही है और ये भी डिफरेंट आ रही है। ओके, ये माइनस फोर आ रहा है, ये माइनस वन आ रहा है, दोनों डिफरेंट आ रही है वैल्यू, तो हम बिना सोल्व किए डायरेक्ट बता सकते हैं कि वैल्यू सेम आने वाली है नहीं, पॉसिबल है या नहीं है ये भी बता सकते हैं। अब पॉसिबल है या नहीं, अगर हम दूसरा कोई एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हम देखते हैं कि वो वैल्यू पॉसिबल ही नहीं होगी, तो कौन सा एग्जांपल होगा, जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं इस टाइप का कोई एग्जांपल, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8। इसमें अगर हम ए बी सी की वैल्यू देखें, ए बी सी की वैल्यू देखें इसमें अगर हम, तो यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू क्या होगी हमारी, ये एग्जांपल लिया हमने, ए की वैल्यू क्या होगी 1, बी की वैल्यू क्या होगी माइनस फाइव, ओ माइनस फाइव कह रहे हैं प्लस फाइव, एंड सी की वैल्यू क्या होगी 8। नाउ हम डी की वैल्यू निकालेंगे तो डी क्या होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है, बी की वैल्यू करेंगे 5 का स्क्वायर माइनस फोर, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 8। यहाँ पर 25 माइनस फोर एट जो 32, माइनस कर देंगे कितना आएगा 7, माइनस का 7 वैल्यू, और डी की वैल्यू माइनस में आ गई तो इसके रूट पॉसिबल ही नहीं, आप इसके फैक्टर ही नहीं कर पाओगे। अभी देखो इसको हम और भी डिटेल में करेंगे कि क्यों इसके फैक्टर नहीं आ पाते हैं, क्यों नहीं आ पाते हैं, क्योंकि अब हम इसका जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला करेंगे तब आपको चीज़ें पता चलेगी क्यों इसके फैक्टर पॉसिबल नहीं होते हैं। देखो वैसे फैक्टराइजेशन तो आप इसका कर ही नहीं सकते, कैसे, 8 के आप ऐसे फैक्टर कभी भी फाइंड नहीं कर सकते जिसका प्लस करने पर आंसर 5 है। ओके, तो यहाँ पर हम फैक्टराइजेशन इसका कर ही नहीं सकते, और फैक्टर भी हम उन वैल्यू का ही कर पाते हैं जिसका आंसर, जिसकी डी की वैल्यू 0 आ रही हो या फिर उसकी डी की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ रही हो। जैसे यहाँ पर हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ रहा था, परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ रहा था, अगर यही वैल्यू 8 आ जाती प्लस में तब भी हम इसके फैक्टर नहीं फाइंड कर पाते। ठीक है, तो उस केस में क्या करते हैं, उस केस में हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करते हैं, लेकिन अभी हमें फैक्टराइजेशन पर ध्यान देना है सिंपल, और जो सेकंड एक्सरसाइज है उसमें सिर्फ आपको इसका नेचर बताना है कि पॉसिबल है रूट या नहीं है। तो देखो इसके अभी एक्सरसाइज करेंगे हम, जो 5B है हमारी, 5B को करेंगे, फिर उसमें हम
आगे क्वेश्चन करेंगे। तो 5B में हमारे पास सिंपल क्वेश्चन है, देखो किस टाइप से क्वेश्चन दे रखे हैं इसने। फर्स्ट क्वेश्चन में आपका कह रहा है कि विदाउट सॉल्विंग फाइंड द नेचर ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें सिर्फ आपको नेचर बताना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर कैसा होगा आप बता सकते हो सिंपल। जैसे हमारे पास फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है 7x² - 9x + 2 = 0। देखेंगे इसमें क्या इसके फैक्टर हमारे इसके ए बी सी की वैल्यू कंपेयर करें। सबसे पहले ए की वैल्यू 7, बी की वैल्यू देखो साइन के साथ लेनी है आपको, ये 9 नहीं लेना, -9 लेना है। सी की वैल्यू क्या लेंगे, अगर यहाँ -2 होता तो -2 लेते, +2 है तो +2 लेंगे। अब डी की वैल्यू निकालेंगे, डी की वैल्यू b² - 4ac होती है हमारी, तो क्या हो जाएगा बी की वैल्यू क्या -9, 9² - 4, ए की वैल्यू 7, सी की वैल्यू 2। 9 9 = 81, -7 4 = 28 2 = 56, माइनस कर रहे हैं, आंसर किस में आ रहा है हमारा प्लस में आ रहा है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 25 आ रहा है। तो इसके फैक्टर भी पॉसिबल है, इसके फैक्टर भी पॉसिबल है, आप फैक्टर कर भी सकते हो। 7 2 = 14 के फैक्टर प्लस करने पर 9 आए तो 7 2 इसके फैक्टर होंगे, यहीं से हम लिख सकते हैं 7 + 2 से हम इसके फैक्टर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लिखेंगे रूट्स आर रियल एंड, रूट्स क्या होंगे रियल एंड डिफरेंट, ठीक है, डिस्टिंक्ट रूट कह सकते हैं हम, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, ओके इसके रियल और डिस्टिंक्ट रूट होंगे। ऐसे हम सेकंड वाले को कर सकते हैं, थर्ड वाले को भी इस टाइप से कर सकते हैं। जैसे फोर्थ वाला है, इसका फोर्थ वाला देख लेते हैं कि फोर्थ वाले में कैसे होगा। ये x² + 2√3x - 9 = 0, इसमें से ए की वैल्यू कंपेयर करेंगे 1, बी की वैल्यू करेंगे तो 2√3, सी की वैल्यू करेंगे तो -9। करेंगे इसको सोल्व, कितना होगा हमारा, डी की वैल्यू निकालेंगे b² - 4ac, ओके बी की वैल्यू 2√3 है, होल स्क्वायर कर देंगे -4, ए की वैल्यू 1 एंड सी की वैल्यू -9। 2√3 करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, देखो इस तरीके के जो स्क्वायर की वैल्यू, जब मतलब 2√3 है इस टाइप की जो वैल्यू कैसे स्क्वायर करते हैं, बाहर वाली वैल्यू का अलग स्क्वायर कर दो, अंदर वाली वैल्यू का अलग स्क्वायर कर दो, दोनों को कर दो मल्टीप्लाई, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, दोनों को कर दो मल्टीप्लाई, -, -, +, 4 9 = 36, ये 12 + 36 रूट्स क्या होंगे, प्लस आ रही है वैल्यू तो रियल और डिस्टिंक्ट रूट होंगे, कितना आ रहा है यहाँ पर 848, तो क्या होंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, ओके रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होंगे या फिर डिफरेंट रूट्स कह सकते हो आप। देखो ये हमने फोर्थ किया, इसके जो अदर वैसे हमारे पास ये जो वैल्यू रह रही है, सेकेंड वाला थर्ड वाला भी कर देते हैं क्योंकि हमें सभी कंप्लीट क्वेश्चन कराने हैं, कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है, ओके तो यहाँ पर अगर हम इसको करते हैं तो ये भी हमारा ऐसे ही होता है, ए की वैल्यू कंपेयर करते हैं तो ए की वैल्यू कितनी होती है 6, बी की वैल्यू कितनी हो जाती है -13 एंड सी की वैल्यू कितनी हो जाती है 4। फिर इसको अगर हम करते हैं डी की वैल्यू को तो डी इक्वल्स टू होता है -b² - 4ac, बी की वैल्यू क्या होती है -13 का स्क्वायर करते हैं -4, ए की वैल्यू कितनी 6 एंड सी की वैल्यू 4। नाउ 13 का स्क्वायर 169 होता है, -4 4 = 16 6 = 96, ओके ये 96 हो गया हमारा। अब इसमें से 96 माइनस करेंगे तो 3 और यहाँ पर 7, तो 73 इसमें भी क्या होंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होंगे इसके भी, ओके ये सेकंड वाला पार्ट हो गया हमारा। नेक्स्ट करेंगे हम इसका थर्ड पार्ट भी करेंगे इसका। अब हम देखो जैसे हम इनको रियल और डिस्टिंक्ट बोल रहे हैं, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट और अनइक्वल भी लिख सकते हैं, ओके इनसे आप डरना मत, इनको अनइक्वल भी लिख सकते हैं, इसको अनइक्वल भी लिख सकते हैं। डिस्टिंक्ट मतलब भी क्या होता है अनइक्वल, डिफरेंट डिफरेंट, ओके तो इसको अनइक्वल भी लिख सकते हैं यहाँ पर अनइक्वल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखो हमारा क्वेश्चन नंबर है इसका फोर्थ पार्ट कर लिया हमने रूट वाला, फिफ्थ वाला पार्ट देखेंगे x² - ax - b² = 0। अब देखो ये ए में ए की फॉर्म में दे दिया हमें आंसर, ए की फॉर्म में आंसर दे दिया, किस तरीके से करेंगे। अब देखो यहाँ पर ए की वैल्यू 1 होगी क्योंकि x² का कोफिशिएंट, बी की वैल्यू -a होगी एंड सी की वैल्यू -b² होगी। अब इसमें डी की वैल्यू निकालेंगे तो d = b² - 4ac करेंगे, बी की वैल्यू कितनी होगी हमारी -a का स्क्वायर कर देंगे -4, ए की वैल्यू 1 एंड सी की वैल्यू -b². अब ए का स्क्वायर करेंगे a² - (-), प्लस हो जाएगा, ये माइनस साइन मार आएगा तो ये 4b². अब देखो आप इसकी वैल्यू क्या होगी, क्या इसकी वैल्यू 0 हो सकती है, क्या इसकी वैल्यू 0 हो सकती है। तो अगर हमारे ए और बी 0 हो गए तो इसकी वैल्यू 0 हो सकती है, तब तो इसके इक्वल रूट मतलब एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। लेकिन अगर हम एक्स की वैल्यू 0 मतलब ए और बी की वैल्यू 0 नहीं लेते हैं, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू कोई एनी अदर रियल वैल्यू लेते हैं, तब इसके हमेशा इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। क्यों? क्योंकि अगर आप ए की वैल्यू माइनस में लेते हो तो वो भी प्लस में आएगी, बी की वैल्यू माइनस में लेते हो तो वो भी प्लस की आएगी, और हमेशा आंसर प्लस का आएगा, हमेशा आंसर प्लस का आएगा। इसीलिए इसके क्या होंगे हमारे पास रियल एंड अनइक्वल रूट्स होंगे, इसमें कहेंगे हम
डी इज ऑलवेज पॉजिटिव, डी विल ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, देन क्या होगा रियल एंड, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड अनइक्वल रूट। ओके तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास रियल एंड अनइक्वल रूट्स होंगे, बस ये करना है इसमें। ऐसे सिक्स्थ पार्ट है इसका, सिक्स्थ में कह रहा है कि टू एक्स स्क्वायर, टू एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस नाइन प्लस एट एक्स प्लस नाइन इक्वल्स टू जीरो। इसमें ए बी सी की वैल्यू कंपेयर की तो टू, बी की वैल्यू एट, सी की वैल्यू नाइन। निकालेंगे डी की वैल्यू, डी इक्वल्स टू कितना बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। बी की वैल्यू कितनी एट, एट का स्क्वायर कर देंगे माइनस फोर, ए की वैल्यू टू, सी की वैल्यू नाइन। एट का स्क्वायर सिक्सटी फोर, माइनस फोर टू ज़ा एट, एट नाइन ज़ा सेवेंटी टू। माइनस करेंगे कितना आएगा, माइनस कर रहे हैं तो ये कितना जाएगा ट्वेल्व में से फोर एट, और यहाँ पर सिक्स में सिक्स, यहाँ पर सिर्फ आपका कितना हो जाएगा ये एट हो जाएगा, और वो भी माइनस में। माइनस में वैल्यू उधर रूट्स क्या होंगे इमेजिनरी, तो ये आएंगे यहाँ पर इमेजिनरी रूट्स। ओके तो इमेजिनरी रूट्स होंगे इसके अगर वैल्यू माइनस में आती है हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी इफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव इक्वल रूट्स। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में भी हमारे, एक बोलता है कि इसमें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट्स हैं, तब आपको पी की वैल्यू बतानी है। तो ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन की है और इसका इसने पहले से ऑलरेडी बता दिया कि क्या होगा हमारा इक्वल रूट्स होंगे, और इक्वल रूट्स होते हैं कब, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट कब होते हैं, जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू जीरो के इक्वल होती है, मतलब डी हमारा जीरो हो जाता है। तो इसमें अगर हम ए की वैल्यू देखें तो फोर, ए की वैल्यू फोर, बी की वैल्यू देखें तो माइनस पी माइनस टू, सी की वैल्यू देखें तो वन। अब अगर इसके इक्वल रूट्स हैं तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, जीरो के इक्वल आएगी, तभी तो इसमें बी मतलब रूट्स हमारे इक्वल होंगे। तो बस अब हम क्या रखेंगे बी के प्लेस में बी की वैल्यू रख लेंगे माइनस पी माइनस टू होल स्क्वायर माइनस फोर, ए की वैल्यू फोर और सी की वैल्यू वन इक्वल्स टू जीरो। इसको करेंगे देखो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा ये पी माइनस टू होल स्क्वायर माइनस फोर फोर जो सिक्सटीन इक्वल्स टू जीरो। पी का अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब टू का स्क्वायर फोर, माइनस टू ए बी करेंगे तो टू इंटू पी इंटू टू फोर पी हो जाएगा माइनस सिक्सटीन इक्वल्स टू जीरो। नाउ पी स्क्वायर माइनस फोर पी, फोर और सिक्सटीन कितना हो जाएगा माइनस ट्वेल्व, क्योंकि ये प्लस का है माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा हमारा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर ट्वेल्व के फैक्टर, अब आपको ट्वेल्व के फैक्टर करने हैं कि माइनस करने पर फोर आए, तो ट्वेल्व के फैक्टर क्या होते हैं, ट्वेल्व किस किसके टेबल में आता है, तो टू के टेबल में आता है टू, टू सिक्स ज़ा ट्वेल्व, या थ्री के टेबल में आता है। तो देखो टू सिक्स ज़ा ट्वेल्व कर सकते हैं हम इसे, हम टू सिक्स ज़ा ट्वेल्व कर सकते हैं कैसे, अगर हम सिक्स को टू में से, सिक्स में से टू माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा पी भी मतलब फोर भी आ जाएगा, फोर चाहिए ना हमें माइनस करने पर, वो भी माइनस करने पर। तो इस टाइप से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करते हैं। ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है जो हमने नाइन्थ में किया था, और इसको आगे भी करने वाले हैं हम इसे नेक्स्ट एक्सरसाइज जो सी वाली एक्सरसाइज होगी इसमें, ठीक है। तो और भी समझ में आ जाएगा ये आपको नहीं, अगर अभी नहीं आ रहा है तो यहाँ पर माइनस सिक्स पी माइनस माइनस प्लस टू पी और माइनस ट्वेल्व इक्वल्स टू जीरो। दोनों से पी कॉमन लेंगे तो पी माइनस सिक्स, दोनों से टू कॉमन लेंगे, दोनों में टू कॉमन आ रहा है तो पी माइनस सिक्स। कॉमन इस तरीके से लेना है कि दोनों में सेम फैक्टर बचना चाहिए, जैसे यहाँ पी माइनस सिक्स है तो यहाँ पी माइनस सिक्स ही आना चाहिए, तो पी माइनस सिक्स कॉमन लिया दोनों से, यहाँ पर बच गया पी प्लस टू। तो पी की दो वैल्यूज आएंगी यहाँ पर, क्या पी की वैल्यू दो आएंगी हमारी, पी माइनस सिक्स इक्वल्स टू जीरो और पी प्लस टू इक्वल्स टू जीरो। पी की वैल्यू एक क्या आ जाएगी हमारी सिक्स प्लस की सिक्स, और पी की वैल्यू एक आ जाएगी माइनस टू। ये इस टाइप से करना है आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। ऐसे इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट भी करते हैं इसका। तो सेकंड पार्ट में भी देखो इस टाइप से कह रहा है, ये क्या है सेकंड वाले पार्ट में, एक्स स्क्वायर प्लस पी माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस पी इक्वल्स टू जीरो। ए बी सी की वैल्यू कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू वन, बी की वैल्यू पी माइनस थ्री, सी की वैल्यू पी। ओके नाउ अब हम इसको करेंगे, इसमें भी कह रहा है कि रूट्स इक्वल है, तो क्या होगा इसमें भी हमारा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल्स टू जीरो। बी की वैल्यू क्या है पी माइनस थ्री होल स्क्वायर माइनस फोर, ए की वैल्यू वन, सी की वैल्यू पी इक्वल्स टू जीरो। पी माइनस थ्री का होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर करेंगे तो नाइन, माइनस टू ए भी करेंगे तो टू इंटू पी इंटू थ्री करेंगे, टू थ्री जै सिक्स पी माइनस फोर पी ओके इक्वल्स टू जीरो। ये पी स्क्वायर सिक्स पी और नाइन फोर पी का जाएगा टेन पी,
और प्लस 9 इक्वल्स टू 0। 9 के ऐसे फैक्टर के प्लस करने पर 10 आए। तो जब कभी भी ऐसे फैक्टर मिले आपको कि एक वैल्यू कम या एक वैल्यू ज़्यादा लानी है आपको, तो हमेशा उसको क्या करते हैं, उसके फैक्टर 9 इंटू 1 से ही करते हैं हम, उसको 1 के साथ ही फैक्टर लेते हैं। जैसे 9 1 9, तो 9 1 9 करेंगे हम तो क्या होगा, 9 प्लस 1, इसको क्या लिख सकते हैं 10 को 9 प्लस 1। देखो मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आएगा और प्लस करेंगे तो 10 आएगा। इसी टाइप से करते हैं हम इसको। अब यहाँ पर क्या, पी स्क्वायर माइनस 9p माइनस और प्लस, माइनस 1p हो जाएगा प्लस 9। प्लस माइनस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, बहुत मिस्टेक होती है प्लस माइनस में। तो ये मिस्टेक आपकी तब सोल्व होंगी जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन उतने ही ज़्यादा आएंगे। ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है हमारा, बार बार रिपीट कर रहे हैं हम इसको। और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का हमने कुछ पोर्शन 9th में किया है, अगर आपको करना है तो आप उसको कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप सर्च कर सकते हो फैक्टराइजेशन चैप्टर में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, वो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। यहाँ पर माइनस, अब देखो यहाँ पर हम माइनस 1 कॉमन लेंगे, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ चाहिए माइनस साइन। क्यों चाहिए माइनस साइन, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, और अगर हम माइनस साइन कॉमन लेंगे तो ये पी वाली वैल्यू प्लस की हो जाएगी और प्लस वाली 9 वाली वैल्यू माइनस की हो जाएगी, इसीलिए ओके। तो ये हो जाएगा पी माइनस 9 और ये हो जाएगा पी माइनस 1। नाउ अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों को जीरो के इक्वल रख लेंगे, पी माइनस 9 इक्वल्स टू 0 और पी माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो पी की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 9, एंड पी की वैल्यू यहाँ हो जाएगी 1। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। थर्ड में भी ये कह रहा है कि द इक्वेशन दिस इक्वल रूट्स, इसके इक्वेशन के क्या है, इक्वल रूट्स है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। इसको भी हम ऐसे ही कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, कैसे, कि यहाँ पर भी हमारे पास इक्वेशन दी है 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 n माइनस 5 इक्वल्स टू 0। इसके भी इक्वेशन इक्वल रूट्स हैं, इक्वल रूट्स हैं तो देन हम ए बी सी की वैल्यू कंपेयर करेंगे और बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 के इक्वल रख देंगे। ए की वैल्यू ये, बी की वैल्यू माइनस 12 एंड सी की वैल्यू n माइनस 5 ओके। अब यहाँ पर हम बी स्क्वायर माइनस 4ac को अगर 0 के इक्वल रखते हैं तो कितना आएगा हमारा, बी की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस 12 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4, ए की वैल्यू 3, सी की वैल्यू n माइनस 5 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर करेंगे 144 माइनस 4 3 12 और यहाँ पर n माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब इस 12 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 144 12 n माइनस माइनस प्लस 12 5 जा 60 इक्वल्स टू 0। 144 और 60 कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 204 हो जाएगा, ये 204 हो जाएगा माइनस 12 माइनस 12 n इक्वल्स टू 0। अब माइनस 12 n 204 इधर आकर माइनस 204 हो जाएगा, एन से इसको डिवाइड कर देंगे, माइनस से माइनस साइन कैंसिल, 204 डिवाइड बाय 12, 12 से कैंसिल कर दो, 12 वन जा 12 8, 12 8 जा कितना होते हैं 96, 12 7 जा 84 तो 17। तो यहाँ पर जाएगी एन की वैल्यू 17। सिंपल, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं बना है, तो वेल सिंपल हो गया बिल्कुल। ऐसे क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एम इफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। इसमें भी इक्वल रूट्स हैं लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एम की वैल्यू दो जगह पर दी है, एम माइनस 2 एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 5 प्लस एम, माइनस 5 प्लस एम इंटू एक्स, और प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0, प्लस 16 इक्वल्स टू 0। अब करेंगे इसको हम ए बी सी की वैल्यू कंपेयर करेंगे, इसके भी इक्वल रूट्स दिए हैं हमें, तो ए की वैल्यू क्या एम माइनस 2, बी की वैल्यू क्या माइनस 5 प्लस एम, सी की वैल्यू क्या 16 ओके। ये हो गया हमारे ए बी सी की वैल्यू, इसमें ए बी सी की वैल्यूज ओके। अब यहाँ पर हम बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 के इक्वल रखेंगे क्योंकि इसके इक्वल रूट्स हैं, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को तक हमने 0 के इक्वल, बी की वैल्यू क्या है माइनस 5 प्लस एम होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू क्या है एम माइनस 2 और सी की वैल्यू क्या है 16 इक्वल्स टू 0। नाउ इसको स्क्वायर करेंगे तो 5 प्लस एम होल स्क्वायर 16, 4 जा 64, ये एम माइनस 2 इक्वल्स टू 0। इसका स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर 25, बी स्क्वायर मीन्स एम का स्क्वायर एम स्क्वायर, प्लस 2ab करेंगे तो 2 इंटू 5 इंटू एम करेंगे तो 5 टू जा 10 एम हो जाएगा, माइनस 64 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 64m, माइनस माइनस प्लस 64 टू जा कितने हो जाएंगे 128, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, तो 128 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0। अब एम स्क्वायर 10m और 64m प्लस माइनस माइनस कर देंगे कितना आएगा, माइनस का 54m, 128 और 25 कितना आ जाएगा 153 इक्वल्स टू 0। अब 153 देखो इसके साथ तो कोई कोफिशिएंट है ही नहीं, तो 1 की मल्टीप्लाई 153 में करेंगे तो 153 का फैक्टर करना है कि प्लस करने पर क्या है
54 आए। तो हम फैक्टर किस टाइप से करते हैं, देखो 153 के इस तरीके से फैक्टर करेंगे, किससे कैंसिल हो रहा है, 3 से 3, 5 से 15, 3 वन जा 3, 15 वन जा 15, यही फैक्टर आ रहे हैं इसके, और इन दोनों को प्लस करने पर 54 भी आ रहा है, तो 51 प्लस 3। तो मोस्टली केसेस में आपको फैक्टर करने पर इसके जो पॉसिबल फैक्टर मिल जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे इसको 51 प्लस 3 एम प्लस 153 इक्वल्स टू 0, इसमें करेंगे हम एम स्क्वायर माइनस 51 एम माइनस 3 एम और प्लस 153 इक्वल्स टू 0। नाउ एम कॉमन लेंगे तो एम माइनस 51 माइनस 3 कॉमन लेंगे तो एम माइनस 51, माइनस 3 को इसलिए कॉमन लिया क्योंकि हमें यहाँ पर माइनस साइन चाहिए था, ओके, जिससे कि ये वाली वैल्यू प्लस की हो गई, ये माइनस की हो गई। अब एम माइनस 51 और एम माइनस 3 इक्वल्स टू क्या, 0। एम माइनस 51 और एम माइनस 3 इक्वल्स टू 0 किया हमने, तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 51 इक्वल्स टू 0, एम माइनस 3 इक्वल्स टू 0, एम की वैल्यू कितनी हो गई 51 और एम की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई 3। तो ये हो गया हमारा 51 एंड 3, एम की वैल्यू 2 हो गई हमारी, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसका अब हम, क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के 4 विच द इक्वेशन दिस हैज डिस्टिंक्ट रूट। अब देखो डिस्टिंक्ट रूट का मतलब क्या होता है, डिफरेंट रूट, और डिफरेंट रूट कब होते हैं, जब बी स्क्वायर माइनस 4 एसी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है। तो बस इसमें वही केस लगाएंगे हम, कैसे, ए बी सी की वैल्यू कंपेयर करेंगे, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू माइनस 6, माइनस साइन के साथ लेनी होती है, एंड सी की वैल्यू के। नाउ अब अगर इसके डिस्टिंक्ट रूट है तो बी स्क्वायर माइनस 4 एसी की वैल्यू किसके इक्वल लेंगे हम, बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी की वैल्यू को लेंगे ग्रेटर देन 0। अब b के प्लेस पर क्या, माइनस 6 स्क्वायर कर लेंगे माइनस 4, a की वैल्यू क्या 3 एंड c की वैल्यू क्या k इक्वल्स टू और ग्रेटर देन 0। नाउ 6 का स्क्वायर करेंगे 36 माइनस 4 3 से 12, यहाँ पर k और ये ग्रेटर देन 0। अब क्या करेंगे इसमें, अब देखो आप इसको इधर लेके आ सकते हो, 36 प्लस का हो जाएगा, इधर आकर ये क्या हो जाएगा हमारा प्लस का 12k, माइनस का 12 है k, इधर आकर प्लस का 12k, और यहाँ पर 12 से इसको डिवाइड करेंगे, 36 डिवाइड बाय 12, तो k की वैल्यू आ जाएगी हमारी क्या, लेस देन k। देखो इसमें इनइक्वालिटी में थोड़ा ध्यान रखना है आपको, इनइक्वालिटी हमने चैप्टर 4 किया है, अगर आपने नहीं किया तो उसको आप देख सकते हो, इनइक्वालिटी में हम क्या करते हैं। देखो अगर हम इसी को, अगर हम इसी स्टेप्स को यहाँ पर इसके आगे हम क्या करते हैं, हम माइनस 12 को इधर रखते और 36 को इधर लेके आते, तब ये माइनस का 36 हो जाता। कभी भी आप क्या करते हो, माइनस साइन को माइनस साइन से कैंसिल नहीं कर सकते, किसमें, इनइक्वालिटी के केस में। अगर आप माइनस साइन से माइनस साइन को कैंसिल करोगे तो हमेशा साइन चेंज करोगे, क्यों, क्योंकि देखो अगर हम इसे प्लस में करना है तो इसको इधर लेके आएंगे प्लस में हो जाएगा, इसको इधर लेके आएंगे ये प्लस में हो जाएगा, तो इसका इक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो अगर इसमें हमें डायरेक्ट कैंसिल करना है साइन, मतलब माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल करना, तो ये ग्रेटर देन साइन लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा, तभी ये डायरेक्ट साइन कैंसिल होगा, ओके। तो कभी भी बस माइनस वाली वैल्यू को ना तो हम कैंसिल करते हैं ना हम डिवाइड कर सकते हैं डायरेक्ट, करेंगे कब, जब हम साइन चेंज करेंगे, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है, और तो सब वैसे ही जैसा इक्वल टू में होता है। देखो यहाँ पर भी इस केस में इसका आंसर ये होता है, ओके। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है गाइज हमारी। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमारी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है, जिसमें स्पेशली हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को करना है, फैक्टराइजेशन करना है जिसमें हमें, ठीक है, उसको करेंगे, अभी के लिए इतना रखते हैं। तो आप अपना प्रिपरेशन रखें जारी, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस, और आपने साइंस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ना करना ना भूलें। थैंक यू।